हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। भाई आज हम लोग का दिल्ली का सफ़र स्टार्ट हो गया। आज भाई पापा के साथ मैं निकल रहा था मॉर्निंग में। सबसे पहले जाएंगे यहाँ से मिर्ज़ापुर, फिर मिर्ज़ापुर से भाई आज 3 तारीख है, आपका 4 को भाई दिल्ली का ट्रेन है मेरा। तो आज सबसे पहले भाई नानी के यहाँ जाएंगे। शाम को 4:30 बजे पुरुषोत्तम का ट्रेन है, तो आज पहले नानी के यहाँ जाएंगे। देन यहाँ पर एक दिन स्टे करना है सबके साथ, यहाँ घर पर सबसे मिल भी लेंगे। चलते हैं भाई, सुबह के टाइम ठंडी बहुत ही ज़्यादा है, 7 बज रहा है और ठंडी आप लोग को देख के लगता होगा भाई। आज बारिश भी होने का एकदम मौसम बना हुआ है। बाय मम्मी। गाइस, ये जो ठंडी का टाइम रहता है, जो फेस पे सिर्फ ठंडा ठंडा हवा के लगता है, अरे बहुत मजा लगता है। गाइस, ये जो ठंडी का टाइम रहता है, फेस पे ऐसा है कि ठंडा ठंडा हवा लगता है, अलग फीलिंग आती है, बहुत मजा आता है। गाइस, पहले पूरा यहाँ से लेके पूरा मिर्ज़ापुर तक मेरा और पापा का प्लान था पूरा स्कूटी से ही जाने का, मगर भाई उस टाइम हम लोगों को लग रहा था कि बस नहीं चल रहा है, क्योंकि चल भी नहीं रहा था, प्रोटेस्ट था यहाँ पे बस का, जो नया वाला पॉलिसी आया है उसकी वजह से। तो भाई अभी के लिए फिलहाल बस चल रहा है, तो हम और पापा दोनों लोग स्कूटी से ना जाके भाई बस ही जा रहे हैं। पापा भाई रेलवे के कैंट स्टेशन पर भाई स्कूटी अपनी खड़ी कर देंगे वहाँ पर पार्किंग में, भाई यहाँ से हम लोग बस ही जाएंगे, क्योंकि भाई ठंडी में भाई स्कूटी से जाने का इतना दूर कोई बहादुरी नहीं है भाई, बहुत ठंडी है, इसलिए भाई बस हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठंडी लग रहा है? बूंद भी पड़ रही है, धूप हो रहा है क्या? बूंद बूंद बारिश हो रहा है, हल्की हल्की बूंद पड़ रही है, गलन तो है। फाइनली मिर्ज़ापुर पहुंच गए, बस से उतर गए थे, अब यहाँ से भाई ऑटो लेके डायरेक्ट विंध्याचल जाना है। ठंडी भाई मस्त पड़ रही है यहाँ पे भी। पापा को तो भाई यहीं पे ड्रॉप था, वो अपना कचहरी चले गए ऑफिस, मैं भाई आ गया यहाँ पे पुल पे, सब डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे ऑटो पकड़ के विंध्याचल नानी के घर। यहाँ पर ऑटो देखते हैं कहाँ पर मिलेगा। गाइस, फाइनली नाना के घर पर आ गए हैं, बस जस्ट पीछे नाना का ही घर है, भाई भी आ ही रहा है, ये अपना भाई भी आ गया है। लेट्स गो। सही करने को क्रॉप कर देना, नहाए नहीं ना अभी तक। चलिए चलिए चलिए। डैनियल 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 डैनियल। गाइस, वो मुझे पहचान ही नहीं रहा, वो अभी भी भौंक ही रहा है नीचे, पहचान ही नहीं रहा है। क्या हो गया? तुम नहाए तो नहीं हो, लेकिन मैं भी नहीं नहाया हूँ, लेकिन हाँ लग रहा हूँ कि नहीं नहाया हूँ कि नहीं, क्यों हर्ष लग रहा हूँ, नहाऊंगा लेकिन अभी थोड़ी देर में। भाई देख रहे हो सामने कितना कोहरा पड़ रहा है, गंगा जी दिख ही नहीं रही है। गाइस, हम लोग के नानी की छत पे से गंगा जी एकदम साफ साफ दिखती है, बहुत करीब है घर, पानी जब भी पड़ता है घर तक तो नहीं आता, घर के बहुत ही करीब तक आता है, फिर वापस चला जाता है। अभी दिखाएंगे, अगर यहाँ से कोहरा थोड़ा हटेगा तो हम लोग गंगा जी दिखाएंगे यहाँ से। अभी ये देखो गाइस, अभी ये मुझे देखो गाइस पहचानना स्टार्ट कर दिया है, ये बंधा रहता है तब तक मुझे भौंकता है। डैनियल इधर आओ, हाइश, अब ये पहचान रहा है मुझे। वन हर चीज देखो, उसको भौंकते हैं ना, वो करता है, उसको भौंकते हैं देखते हैं उसका, हाँ समझ पाता है कि नहीं। अरे यार वीडियो और बात कर दिया, भौंकने लगा वो। गाइस एक बार भौंक दिए, अब ये शांति नहीं हो रहा है। डैनियल डैनियल इधर देखो, ओए ओए, मस्त हो अपनी दुनिया में मस्त। गाइस ये बैठ के मेरा ब्लॉग देख रहा है फोन में, आस्ता आस्ता कर लिए थे, थोड़ी देर से छत पे थे सब लोग, फिर भाई अब नानी के घर आए तो घूमना तो बनता ही है। हम लोग आ गए डायरेक्ट गंगा जी, ठंडी यहाँ पे भाई एकदम खुला एरिया है, ठंडी बहुत तेज लग रहा है, मुंह पे एकदम बहुत तेज हवा लग रहा है इस टाइम पे, स्वेटर वगैरह और ऐसे जैकेट पहना हो तो बॉडी पे तो नहीं लग रहा, मगर हाँ भाई फेस पे बहुत ही ठंडा ठंडा हवा चल रहा है अभी। क्यों हर गाइस, ये विंध्याचल का दीवान घाट है, हम लोग के नाना के घर जस्ट के बगल में ही है भाई, यहाँ पे भी पूरा ऐसे स्टेयर्स वगैरह लग गया घाट वाला, बन गया बहुत मस्त है। ये देखो पानी कितना मस्त लग रहा है, पूरा फॉग फॉग एकदम। गाइस ये देखो अभी साइबेरियन बर्ड्स पे आई हुई हैं, यहाँ पे बहुत ढेर सारी आई हुई हैं, इन लोगों को नमकीन अभी हम लोग खिलाए थे, तो भाई ये लोग अभी यहीं पे वेट कर रहे हैं और खाने का।
गाइस बहुत सारी साइबेरियन बर्ड आई हुई थी यहाँ पे। बनारस में भी ऐसा ही रहता है, सब गंगा घाट पे आते हैं। यहाँ पे भाई विंध्याचल में भी, हम लोग भी कौन से नारघाट पे, ना नारघाट पे बहुत ही सारी आई हुई थी। बहुत मस्त लग रही थी यार। यहाँ से चलते हैं घर, काफी देर हो गया है, दोपहर हो गया है बहुत ज्यादा। गाइस ये देखो बेबुनियाद बच्चे, इसको देखो कैसे पकड़ के भाई नाक। जब भाई हम लोग की उम्र थी तो भाई इस पे कभी जाने का मन ही नहीं करता था, अब भाई मन कर रहा है तो उम्र ही नहीं है। ये देखो सारे के सारे बेबुनियाद बच्चे। गाइस हम लोग गंगा जी से अभी जस्ट घर आए, खाना थोड़ी देर बाद खाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग जाएंगे पतंग लेने। आज भाई हम लोग यहाँ पे भी पतंग उड़ाएंगे, देखते हैं आगे भाई। लेकिन ठंडी बहुत ज्यादा है ये भाई, मैं जब से आया हूँ जैकेट तब से पहना हुआ हूँ। ठंडी यहाँ बहुत ज्यादा है, दिल्ली का ठंडी मुझे नहीं पता भाई, लेकिन मिर्जापुर में बहुत ठंडी है। जा रहे हम लोग खाना खा के भाई पतंग लेने, डायरेक्ट अब छत पे ही मिलेंगे, पतंग लेके आएंगे खाना ना खाने के बाद। गाइस ये देखो पतंग अतंग सब रेडी हो गया, हम लोग गए खरीद के आए यहाँ पे। इसके पहले भाई देखो हम इस वाली छत पे थे जो हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे थे, यहाँ पे थे हम लोग। हम लोग अब इस वाले दूसरे मामा के छत पे आ गए। यहाँ से भी हम लोग ऊपर और ऊपर जाएंगे, यहाँ से पतंग उड़ाएंगे सब के सब भाई, सभी लोग ऊपर जाएंगे, आसमान में जाएंगे डायरेक्ट। अभी तक हम लोग दो पतंग काट चुके हैं, हम लोग की पतंग आगे अभी उड़ ली है। अब ये चैलेंज है, अब जितनी पतंग काटेंगे हम लोग को तेज से भाग कटे चिल्लाना है। चिल्लाओगे? यस, तुम भी चिल्लाओगे ना। हम लोग को भाग कटे अब चिल्लाना है। दो पतंग और उड़ लिया, दिखाता हूँ दो पतंग हम लोग के जस्ट सामने उड़ी, अब जा रहे उन लोगों को काटने। गाइस अब अपना देखो हर्ष भाई पतंग उड़ा रहा है। हर्ष तुम्हारी पतंग ये रही गाइस, देखो इसकी पतंग ये। नाइस, कहाँ गई? है उड़ लिया। गाइस ये देखो छोटू की पतंग है और यहाँ पे मेरी पतंग है भाई। दोनों भाई मिलकर पूरा इलाका खाली कर दिए, एक भी पतंग नहीं उड़ ली है। अब पूरी की पूरी पतंग काट दी हम लोग। गाइस इसको देखो ये क्या किया है, ये देखो। नहीं नहीं हम लोग पतंग लेके आए थे सारी की सारी, एक बार में आया कुना ये फाड़ के फेंक दिया सारे। शाम में निकले हुए थोड़े से टहलने के लिए और कुछ कुछ सामान भी लेना था। हर्ष भाई आपको ठंडी के लिए कुछ बोलना है? सेव रहे, सतर्क रहे भाई। मस्त 10-15 तो स्वेटर डाले रहे हमेशा शरीर पे, कुछ दिनों के बाद और है, उसके बाद सब सही हो जाएगा। उसके बाद तो भाई ठंडी ठीक हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठंडी कम हो जाएगी भाई, मतलब कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बात वही है। लेकिन अब अभी जो भाई है ना, फाड़ू ठंडी है, फाड़ के रख देता है तब अंदर से ना भाई। वो तो भाई चलते सामान वामान लेके डायरेक्ट घर। सुबह से ही मैं इधर से बेउड़ रहा हूँ। बेउड़ने का मतलब भाई मिर्जापुर के भाषा में होता है बेउड़ना, मतलब कि दिन भर घुमाई कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ सिर्फ। गाइस यहाँ पे फॉग देखो इस टाइम पे, बाप रे बाप। वर्क फ्रॉम होम देखो गाइस, रील देखते हुए वर्क फ्रॉम होम। इस टाइम तुम्हारा क्या जॉब है नियति? क्या जॉब है अभी? रिपोर्टिंग एनालिस्ट। भाई हर्ष आज पतंग उड़ाए कैसा लगा? अच्छा था। इसका वर्क फ्रॉम होम है, मेरी नियति बहुत ही मेहनत करती बेचारी। गाइस टाइम अब हम लोग अभी आ रहा, हम लोग जॉब करेंगे। नहीं मैं जॉब करूंगा। इतना हंस क्यों रही हो? अरे यार 2 मिनट ऐसे टाइम दे दो मेरे को। क्या इतना हंस क्यों रही हो? जब मैंने बोला कि इसे जॉब करेंगे, मैं जॉब करूंगा, इतना हंस क्यों रही हो? कुछ अच्छी चीज तो है नहीं, हम फालतू में कॉर्पोरेट मजदूर है, तुम थोड़ी हो। देखिए गाइस आज का ज्ञान, कोई भी मतलब कैसे जॉब मत करो, अपना जो मन वो करो। क्यों नहीं अभी सही बोला कि नहीं मैंने? अगर आपको लगता है हमको यही करना था। मुझे नहीं लगता कि मैं जॉब करूंगा। नहीं हमको ये करना था, मेरा मन था कॉर्पोरेट। टाइम कितना हो रहा है यार? 9:30 हो रहा है, अभी खाना ना खाएंगे मस्त। चलते हैं गाइस अब खाना ना खा लेते हैं, 9:30 भी बज रहा है, भूख भी लगी हुई है। आज खाने में क्या होगा नहीं आदि? मिक्स वेज पराठा। मिक्स वेज पराठा मामी आज बना रही है, हम लोग खाएंगे अभी थोड़ी देर बाद।